हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज का जो हम लोगों का प्लान है वो अगेन मार्केट जाके शॉपिंग करने का। तो आज की जो शॉपिंग है वो भैया और डॉक्टर साहब के लिए है, क्योंकि इन दोनों का कपड़ा भी नहीं लिया गया है शादी के लिए। तो भैया आज फैजाबाद से आया है लखनऊ और सुबह ही आ गया था, नाश्ता और लंच हो चुका है। सो अब हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए और भैया से मैं मिलवाती हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे। आज सारी येलो पार्टी घूमने जा रही है, दीदी भी येलो, मैं भी, भैया भी, डॉक्टर साहब भी और बेबी भी। भैया और पूजा को छोड़कर वो लोग ब्लू पहने हैं, बाकी सब लोग येलो पहने हुए हैं। सो आगे हम लोग नीचे और हम लोग को जाना है ई रिक्शे से, और ई रिक्शे के लिए हमें गेट पे जाना पड़ेगा। तो मैं मिलवा देती हूँ भैया से। तो ये है भैया, और मेरी कल की वीडियो में आपने देखा होगा इसको, हम लोग फैजाबाद में भी शॉपिंग साथ ही जाते हैं, हम छोटी भाई तीनों हमेशा साथ में शॉपिंग करने जाते थे, मतलब जाते हैं। और जो प्लान था ना, क्या सब चलेंगे, जिसको दोनों भैया लोगों को, डॉक्टर साहब को और इनको कोट पैंट लेना है और भैया को ब्लेज़र लेना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्राउन मॉल, पहले मॉल से स्टार्ट करेंगे, अगर हम लोग को मॉल में अच्छा मिल जाता है तो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं, बेबी और डॉक्टर साहब जा रहे हैं स्कूटी से, भैया और दीदी। तो अब हम लोग ई रिक्शा रुकवाएंगे भैया और दीदी के लिए। सॉरी, ई रिक्शा आ गया है। क्राउन मॉल चलोगे भैया? क्राउन मॉल बेबी ले। हाँ हाँ, पूरी बुक हो जाए, मतलब पांच लोग हैं आप, हम लोग को क्राउन में मिलना। हाँ आएंगे बेबी, साथ में आएंगे स्कूटी से। अभी मम्मी भैया, मम्मी को, मामा को और पापा को ले ले। तो ये है हमारी सवारी। हमारे ई रिक्शा पे सवारियां आ गई हैं। हम बेबी ई रिक्शा लेके आए। लोग पहुंच गए क्राउन, जो कि बीबीडी के डायरेक्ट सामने है क्राउन मॉल। और ये रहा क्राउन मॉल, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए क्राउन मॉल। और डॉक्टर साहब गए हैं शायद अंडरग्राउंड में पार्किंग के लिए, तो वो अपनी स्कूटी पार्किंग में लगा के आएंगे। भैया शायद किसी से बात कर रहा है, तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर मॉल में और देखते हैं क्या क्या है। कपड़ों का स्टॉल लगा हुआ है, कपड़ों का, कॉपियों का, ज्वेलरी का, जूती का। ये तो ये देखिए गाइस, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसको, और मेरे कॉलेज के समय में नहीं था, मैं बहुत मिस करती हूँ अब इसको। मेरे कॉलेज के समय होता तो ज़्यादातर हम लोग यहीं होते, बहुत मज़ा आता है कॉलेज टाइम में मॉल में जाना, कॉलेज को क्लासेस बंक करना। हाँ भाई, शॉपर स्टॉप में अंदर जाने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब का वेट हो रहा है क्योंकि वो पहले ही आ गए थे और हम लोग को पता नहीं कि अंडरग्राउंड में है कि मॉल में इंटर कर चुके हैं। तो भैया भी कॉल कर रहा है, उसके बाद देखते हैं। दीदी, भैया को आ जाना चाहिए था ना, सबसे पहले निकले थे हम लोगों को पहले ही। डॉक्टर की बात? हाँ, डॉक्टर की बात। क्या आ जाना चाहिए था ना उनको, यहाँ पे पहले से ही होना चाहिए जब पता है कि शॉपर स्टॉप में जा रहे हैं। हाँ ना, कहाँ रहेंगे, वही तो सबसे पहले वही पहुँच रहा है। चलो अंदर चलो, अंदर ही देखो। हाँ ठीक है ठीक है, बोल दिया। हाँ हाँ, केवल फर्स्ट में ये जो ग्राउंड फ्लोर पे स्टॉपर स्टॉप है, वहाँ पर आपको केवल कॉस्मेटिक, शूज और गॉगल्स वगैरह मिलते हैं। और सेकंड, फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज सेक्शन है एंड सेकंड फ्लोर पे जेंट्स सेक्शन है, तो हम लोग को जेंट्स सेक्शन में जाना है। जेंट्स सेक्शन में चलो ना, लेडीज में तो कुछ लेना। ये ना थोड़ा सा चौड़ी है, ये पतली हो गई है, भैया ये देखो डॉक्टर साहब के लिए। मैं पूजा में लगेगा जा रहा हूँ। हल्दी वाला लुक नहीं आ रहा है, हल्दी वाला लुक नहीं आ रहा है, पंडित जी वाला आ रहा है क्या? वही पूजा वाला। ये देखो, ये अच्छा, आपके नाम वाला।
हाँ ये आएगा हल्दी वाले में, हल्दी वाला लग रहा है ये 44 से दीदी, बुलाओ ना उसको, उसको बुलाओ। हाँ सही बोला, ये शादी जैसा लग रहा है भैया। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, चिकन का है पूरा काम है, कितना खूबसूरत लग रहा है भैया। ये देखो ना, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, मल्टी कलर। हाँ सो डॉक्टर साहब के लिए कुर्ता हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन उनका पता नहीं है तो उनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाए। तो दो तीन ऑप्शन है येलो कलर में हल्दी फंक्शन के लिए, तो भैया को भी काफ़ी अच्छा लगा, दीदी को भी, तो वो आ जाए तो उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं। और आप लोगों को कौन सा येलो वाला पसंद आया कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भैया के लिए ब्लेजर देखा जा रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इनके ऊपर। यहाँ पर भाई ट्राई कर रहा है सूट, तो गाइस आप लोग बताइएगा भैया पर कौन सा सूट अच्छा लगेगा या लग रहा है आपको। उठाओ कॉल, उठाओ कॉल, उठाओ। आइए के लिए हम लोगों ने ये वाला पसंद किया था, एक ये येलो वाला और एक येलो वाला, तो तीनों में से बताओ आपको कौन सा लेना है। तीनों ही सुंदर लग रहा, वो कुछ ज़्यादा ही हल्दी वाला हो जा रहा है, ये थोड़ा सा पंडित जी वाला हो जा रहा है, एक ये है ये तो शादी वाला हो जा रहा है। लेना कौन सा है आपको ये बताइए सब, लेना कौन सा है। और एक मैं बताऊँ, एक और था अच्छा लग रहा था, कहाँ गया एक और था यार, कहाँ गया दिख नहीं रहा मेरे को। ये भी है, ये अच्छा लग रहा है इवन, ना ना उतना नहीं पहनेंगे कुछ चीजें ना पूछा, सिंपल ही ज्यादा अच्छी लगती ये है ना, शाम को पहनने वाला है। हाँ इसको सुबह में पहनने के लिए चाहिए। मेनली हम लोग आए थे भाई को लेने के लिए, और ये डॉक्टर साहब और भैया ये दोनों दोस्त जो है एक दूसरे का पसंद कर रहे हैं। अरे भैया हमारे भाई भी हैं, उनके लिए भी कोई पसंद कर दो। नहीं डन, चलो राज भैया का डन हो गया, अब बचे डॉक्टर साहब और भाई। होता है ना भैया कंधा जो कि फिट है इतने अच्छे कपड़े, ये थोड़ा सा डिजाइन है ना। हाँ सुंदर लग रहा, गोल्ड वो हो रही है, सुंदर लग रहा है। आप दूसरा वाला ट्राई करिए, में क्या है कि जिसमें पहन ले, जिसमें पहन ले चाहे सुबह पहन ले, पीला कुर्ता अगर मिल जाए हाँ तो हल्दी में कर लेंगे, उसको सुबह में डाल देंगे। ये भी सुंदर लग रहा है, कंठी ले लेंगे। अरे कंठी का है माला होता है, अच्छा अच्छा माला। देखो तो डॉक्टर कैसे लग रहे, ये तो कोई बता ही नहीं रहा है, बहुत अच्छे पहले ही कह दिया था, बिना देखे बोल दे रही है। तिलम के आप जी जाओ ना, वो तो भाई है। हाँ तो इनका जो है देखना पड़ेगा, ठीक है इनकी राय भी लेनी पड़ेगी। क्या बोलते हैं दोनों अपने का जगह पर अच्छे हैं, आप जो लेना ले लीजिए। नहीं अक्कड़ बक्कड़ से ज्यादा अच्छा है आधा। कितना चार्ज आएगा? शी शी डन हुआ, खुश हो गया उधर वाला। तो डॉक्टर साहब का भी कपड़ा डन हो चुका है, अब कौन बचा है, भाई बचा है। सो येलो येलो पहन कर हम लोग बहुत चमक रहे हैं, यही बोलना था अभी, चमक बहुत ज्यादा रहे हम लोग। और अभी हम लोग निकल रहे हैं फन मॉल के लिए, क्योंकि उधर भी शॉपर स्टॉप है, तो वहाँ पर भी एक बार देखना बनता है, क्योंकि शादी एक ऐसा समय होता है जब आप कपड़ों के बीच में धूम मचाते हो। तो वैसे
थक गई। ये ट्रेन में बैठूं अच्छे से? हाँ ये ज्यादा पति लग रहा है। तू बताए तुमको बैठना है? के बाद अब हम लोग आ गए हैं अपनी कार में, और क्योंकि कार छोटे भाई लेके गए थे मेरे हस्बैंड के, तो वो अभी जा रहे हैं फैजाबाद, तो उन्होंने बोला भाई गाड़ी फ्री है और आप लेके जा सकते हो, तो हम लोग को जाना है फन, तो सोचा अपनी गाड़ी से चले, क्योंकि ई रिक्शे पे हम लोग बहुत बहुत मुश्किल से आए थे, हमें मान के चलो गोद में ही थे, भाई था पूजा थे उनके बीच में, सो देखते हैं। सो हम लोग रेडी है, सब आ गए हैं और हम निकल रहे हैं मॉल के लिए। तो हम लोग आ गए हैं लोहिया पार्क के बगल बेफा चाय वाले के यहाँ, लेकिन बेफा चाय की दुकान बंद थी, तो अब हम लोग यहाँ पे एक और कोई हैप्पी आवर्स है तो वहाँ पे चाय पियेंगे, और चाय ज़रूरी है क्योंकि टाइम भी हो गया है, तो यहाँ से चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे फन। सो हम लोग आ गए हैं फन मॉल, और यहाँ पे शॉपर स्टॉप है, तो वहाँ पे चल के देखते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम और सबसे ज़रूरी काम है कि हम भाई के लिए कपड़े लेना, क्योंकि मेनली भाई उसी के लिए आया है, तो चल के देखते हैं मिल जाए शायद। यहाँ ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, अलग अलग ब्रांड्स भी हैं अलग अलग, तो होप करते हैं यहाँ मिल जाए। ब्लेजर है क्या कि थ्री पीस? हाँ ये थ्री पीस है, ये पहनो जरा, ये ना, हाँ ये शादी जैसा लग भी रहा है। कहाँ गए भैया? यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं, और ब्लेजर के भी थ्री पीस में भी, शॉर्ट्स तो बहुत सारे हैं, ब्लैकबेरी। तो अब लग चुकी है बहुत तेज वाली भूख, और एक मैं दिखा रही हूँ आपको शॉप एंड व्हील, ये देखिए BMW बाइक है, और हम लोगों ने अप्रॉक्स शॉपिंग की है 16,000 की, तो 3 कूपन है, बाई लक अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ बहुत टेस्टी डिनर कर लिया, इसके बाद कुछ था ना हम लोगों को, तो ये हम लोग का डिनर था, और इसके बाद फालूदा कुछ मीठा हो जाए, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, जो जो भी खाया कुछ चीज़ें थी, बट कोई नहीं, खाना है अन्न का अपमान नहीं कर सकते, बट अच्छा था। तो गाइस एक बात और बतानी है मुझे, यहाँ पे जहाँ हम लोगों ने डिनर किया वो चटोरी गली है, चटोरी गली है, और हम लोगों ने भी खूब चटपटी चीज़ें खाए और मज़े लिए। क्या वो बेबी ठंडी लग रही है क्या? ओ पहुँच के आपसे बात करती हूँ। अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं, फिलहाल तो अंडरग्राउंड में है, और शॉपिंग किया, लेकिन जो सब मतलब भाई का जो मेन था वो तो लिया ही नहीं, हाँ भैया ने शॉपिंग की, भैया ने अपने लिए ब्लेजर लिया, और अनिका ने बहुत शॉपिंग, और डॉक्टर साहब के लिए केवल एक कुर्ता लिया है, अभी उनका भी ड्रेस लेना है, तो आज का तो हो चुका, अब कल निकलेंगे मार्केट। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।